सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे बीबीए एलएलबी और बीएलएलबी की, कहां से क्वांटम यूनिवर्सिटी की। तो सारे बच्चों को जो रिजल्ट है ट्वेल्थ का ऑलरेडी क्लास में आ चुका है, तो वो अच्छी से यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं जहां पे वो बीबीए एलएलबी या बीएलएलबी कर पाए कम पैसों में, अच्छी लोकेशन हो और यहाँ पे आसपास ही हो, जिसका कैंपस साइज भी काफी ज्यादा अच्छा और उनको हल्की फुल्की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए, क्योंकि उनका जो बजट वगैरह कम है तो उनको कम पैसे स्पेंड करने हैं, लेकिन उनको जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और जो स्टडी की क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए। तो आपके लिए ढूंढ के ला चुके एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे बीबी एलएलबी की फीस कितनी है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी जिसमें कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड आप कोई भी लेटेस्ट अच्छी वीडियो मिस ना करें, तो आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आके, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में ओवरऑल पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या क्या कब स्टैब्लिश हुई है, कौन कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे एग्जैक्टली क्वांटम यूनिवर्सिटी, रैंकिंग्स क्या क्या है, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे ऑफर कर दिए जाते हैं, बीबी एलएलबी की फीस स्ट्रक्चर कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, आपका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा, वर्थ है यहाँ से करना या नहीं, तो सारे पॉइंट्स आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन है जो रुड़की उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, हरिद्वार के बिल्कुल पीछे जो यहाँ पे रुड़की शहर है ना, रुड़की में मेन हाईवे के ऊपर यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 30 acres का कैंपस है, 2016 की एस्टैब्लिशमेंट है। वैसे तो जो कॉलेज है 2008 से चल रहा है, पहले ये जो हुआ करता था मैनेजमेंट कॉलेज था, लेकिन 2016 में इसको क्वांटम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यूजीसी अप्रूव्ड है, बीसीआई अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड है, 55 से भी ज्यादा यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। जो क्वांटम यूनिवर्सिटी अपने इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के लिए और पैशन कोर्सेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी और पैशन कोर्सेज का करने का मौका दिया जाता है अपने कोर्स के साथ साथ। 35.5 लाख का आज तक का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है यहाँ पे 4 लाख रुपीज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा है और जिस बात के लिए काफी ज्यादा फेमस है कि इसकी जो फीस है काफी ज्यादा अफोर्डेबल है इसकी लोकेशन के हिसाब से। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में अगर आप नीचे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन की जो फीस है नहीं लगने वाली है, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, 100% ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्यू केयर का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपको मैं बीबीए की इनकी वेबसाइट के थ्रू बताता हूँ, ताकि आपको भी सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आए। तो उसके लिए आपको गूगल के ऊपर आके सर्च करना पड़ेगा क्वांटम यूनिवर्सिटी। सर्च करते आपको प्रोग्राम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो प्रोग्राम्स दिख जाएंगे कि लॉ में यहाँ पे दो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बीबीए एलएलबी और बीएलएलबी। तो बीएलएलबी को भी खोल लेते हैं एक टैब में और यहाँ पे हम खोल लेंगे बीबीएलएलबी। तो दोनों ही कोर्सेज की फीस एलिजिबिलिटी आपको सब कुछ बताया, तो कि अगर आप दोनों में से जो भी कोर्स करना चाहें उसमें, अगर आप यहाँ पे लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने यहाँ पे पूरा ठीक है बीबीएलएलबी वाला जो खुल जाएगा पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी एंड फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपके सामने ये पीडीएफ खुल गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो पीडीएफ है खुल जाएगी। इसमें दोनों ही कोर्सेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो लिख रखी है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बीबीएलएलबी की फीस है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो क्या है कि आपके 10th क्लास में मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल, तो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए। 5 साल का टोटल आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है, चाहे आप बीबीएलएलबी करें चाहे बीएलएलबी करें, टोटल आपका 5 साल का कोर्स रहने वाला है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर रहता है, जो उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के बच्चों की, उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो टोटल 1 साल के लगने वाले 70,000 रुपीज, और अगर हम बात करें उत्तराखंड के बाहर के बच्चों के तो उनके टोटल लगने वाले 75,000 रुपीज। तो सिर्फ 5,000 रुपये का अंतर है, अगर आप मतलब कि उत्तराखंड से नहीं है तो सिर्फ 5,000 का अंतर है। वहीं हम बात करें अगर बीएलएलबी की, तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, अगर आपके मोर देन 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 5 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो फीस रहने वाली है 70,500, उत्तराखंड के बाहर के बच्चों के लिए जो फीस रहेगी 75,500 रुपीज। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की अगर हम बात करें कि जो हॉस्टल की फीस है बिना एसी की जो सेम वन की फीस है 42,000, सेम टू की भी 42,000 रुपीज, तो अप्रॉक्सीमेट 84,000 रुपीज एक साल की फीस है अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं, और अगर आप लेते हैं एसी रूम तो एसी रूम की जो फीस रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 1,04,000 रुपये एक साल की अगर आप वो लेते हैं। तो यहाँ पे जो पूरे यहाँ पे सारे नोटिस वगैरह आपको देख, एक्स्ट्रा फीस आपसे ली जाएगी वो यूनिफॉर्म की फीस ली जाएगी 8,000 रुपये, उसके अलावा जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ये वो फीस रहेगी वो रहेंगी, यूनिफॉर्म की जो एक्स्ट्रा फीस है सिर्फ आपसे वही लीजिएगी 8,000 रुपये अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो अवेल नहीं कर सकते। तो ये थी पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन, फीस और ये।
तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें और भी अगर बातें करना चाहें आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट वाले कोर्स के ऊपर आके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आपकी प्लेसमेंट वगैरह कहाँ पे होंगी, ठीक है, NIT, बोस, शीरो, एवरेस्ट, इन जैसी कंपनीज में आपकी जो प्लेसमेंट हो जाती है, आपको काफी सारी मूट कोर्स भी यहाँ पे करने को मिल जाती है। अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी आपको ओके ओके देखने को मिल जाएगी, ना ही ज्यादा टॉप क्लास फैकल्टी देखने को मिलेगी, ना ही बहुत ही मतलब बेकार फैकल्टी, ओके ओके फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपके बजट के हिसाब से काफी ज्यादा ये सही रह सकता है, क्योंकि आपके अप्रोक्सीमेट जो एक साल की जो फीस है, आपको फिर से दिखा तो आप ना, ठीक है, एक साल की जो आपकी फीस रहने वाली है वो अप्रोक्सीमेट सिर्फ 70,000 रुपीज रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे 5 साल पढ़ते हैं तो सिर्फ 3,50,000, मतलब कि 3.5 लाख रुपए में, प्लस अगर आप यहाँ पे 5 साल हॉस्टल फीस भी देते हैं 5 लाख रुपए, तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 लाख रुपए में आपकी पूरी यहाँ पे जो BBLLB या BLLB है, पूरी 8 से 10 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी डील है। 5 साल में सिर्फ आपके 10 लाख रुपए लग रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी सही रह सकता है। बाकी जो लोकेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, कैंपस साइज है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, फैकल्टी भी ओके ओके। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज आपको 3 से 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज यहाँ से मिल जाएगा। काफी ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो भी करने को मिल जाएंगे, मूट कोर्ट्स वगैरह। बाकी ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है तो आपके ऊपर काफी ज्यादा जो ये क्या बोलते हैं मेहनत है वो करेंगे। एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन लिंक से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एप्लीकेशन की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करके आपको जो यहाँ पे जो एग्जाम है क्यू केयर का वो देना पड़ेगा। एग्जाम बहुत ही ज्यादा ईजी है, घर बैठ के आपको एग्जाम देना है, 1 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ईजी लेवल का एग्जाम है, एग्जाम आपका घर पर बैठ के हो जाएगा। एग्जाम देते ही 3 से 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट आते ही आपके एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी तरफ से कॉल आ जाएगी कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप इतनी फीस है जो एडमिशन की पे कर दीजिए, पे करते आपकी जो सीट है कंफर्म हो जाएगी और आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। पूरी फीस आप जैसे ही पे कर देंगे तो आपकी सिंपल सी यहाँ पे प्रोसेस है कि एडमिशन आपकी यहाँ पे डन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी थी। और भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि स्कॉलरशिप्स वगैरह कौन सी मिलती हैं, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी बता देता हूँ। तो उसको अभी यहाँ पे जो फीस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको CUET एग्जाम के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके CUET में 65 से 70% के बीच में मार्क्स है तो आपको 10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर हम बात करें 70 से 80% के बीच में मार्क्स है तो आपको 15,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, 80 से अबव मार्क्स है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है पहले साल के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल है। उसके बाद क्यू केयर एग्जाम के बेसिस के ऊपर भी जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है, कि अगर आप क्यू केयर का एग्जाम देते हैं, ठीक है, फॉर बीटेक, और ये जो बीटेक वालों के लिए ये वाली स्कॉलरशिप है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं BBLLB की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके क्यू केयर एग्जाम में 60 से 69% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 7,000 की स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर, 70 से 79% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 10,000 की स्कॉलरशिप, 80 से 89% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 12,000 की स्कॉलरशिप, 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50,000 की स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि आपके 12th के बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी, यहाँ पे जो 12th के बेसिस के ऊपर आपको BBLLB या BLLB वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी वो कितनी है, अगर आपके मार्क्स 12th में 70 से 75% से ज्यादा है तो आपको मिलती है 8,000 पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप, 75,000 से 89% के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलती है 10,000 की स्कॉलरशिप, 90% से अबव मार्क्स है तो आपको मिल जाती है 100% स्कॉलरशिप। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो काफी अच्छा है। क्यू केयर का एग्जाम आपको देना है तो क्यू केयर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्यू केयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी। जैसे फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे चलने वाला आपका एग्जाम चलेगा ऑनलाइन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उससे आप आएंगे तो ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको सारा यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। एडमिशन लेते समय आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं जिन पे कॉल करके आप अपने एडमिशन के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, बेस्ड ऑन योर 11th 12th की क्लास के सिलेबस के ऊपर आएगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस भी आएगी। एग्जाम विंडो मतलब, ठीक है, अपने घर पे बैठे बैठे आपको एग्जाम देना है, सिंपल सी ये प्रोसेस है जिसमें आप कर सकते हो। तो आई होप आपको मैंने क्वांटम यूनिवर्सिटी से BBLLB के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।